19 सेंचुरी का जो फोर्थ डिकेड्स है और उसके बाद और उसके पहले जो भारत में 18 सेंचुरी के फिफ्थ डिकेड्स में जो कॉलोनिज्म का जो नोशन आया और उसके साथ सोसाइटी के डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस एस्पेक्ट्स और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उस एक्सप्लॉयटेशन के विरोध का एक दूसरा नाम जो है वह आर्य समाज है, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। और यह स्थापना शून्यता में नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति में हुई थी जहां पर उपनिवेशवादी तंत्र और साम्राज्यवादी तंत्र के बीच में संघर्ष की स्थिति और उससे उत्पन्न जो वेस्टर्न थॉट थे, वेस्टर्न फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी के रिएक्शन में इस धारा का इमर्जेंस हुआ जिसे मूल रूप से हम लोग 19th सेंचुरी के फोर्थ डिकेड से लेकर के 7th डिकेड्स और 8th डिकेड्स अर्थात 1783 में जब इनकी मृत्यु हुई और 1824 में जब इनका जन्म हुआ था, इस दौर के बीच में भारत की सामाजिक राजनीतिक धारा राजनीतिक थोड़ा सब्ड्यूड है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक जो उत्थान हुए थे और उसके साथ जो है जो नोशन ऑफ नेशनलिज्म का जो विचारधारा विकसित हुई थी, उस विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक नई धारा देने का प्रयास किया, जिसमें मूल रूप से पहली धारा मानी जाए आधुनिक भारत में तो वह राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज अर्थात वह समाज जो गॉड का समाज है। यह जो स्पिरिचुअलिज्म का जो नोशन जो डेवलप किया गया उसके आधार पर भारत की जो भारत के राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, वह प्रतिपादन जो है आज भी हमको उनकी राइटिंग में देखने को मिलती है। और इसी धारा को विकसित करने का प्रयास जो है मूल रूप से दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे, केशव चंद्र सेन जैसे महापुरुषों ने और अपनी विचारधारा के आधार पर भारत की जो भारत के जो इविल्स सोशल इविल्स थे उस सोशल इविल्स के खिलाफ में आवाज उठाई। और मूल रूप से आप देखेंगे तो मूर्ति पूजा का विरोध आरंभ हो गया हुआ था, साथ ही जो मूल रूप से आप देखेंगे अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध तंत्र मंत्र जैसी धाराएं जो है हमारे बीच में जो पर्वित पुष्पित हो रही थी, जिसे छोड़ करके आर्य समाजी अर्थात वह समाज जो 15th सेंचुरी बीसी में तैयार किया गया हुआ था ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के माध्यम से उन ऋचाओं को अपने आप में, उन विधाओं को अपने आप में आत्मसात करके भारत की तस्वीर बदलने का प्रयास जो आर्य समाज मूवमेंट के द्वारा किया गया वह अभी भी अकल्पनीय है कि उसी दूसरे देश में यह संभव नहीं है। सारी दुनिया भारत की ओर उस समय से देख रही है जिस देखें मैंने आप लोगों के बीच में एक बात कही जिसमें कि चुपके से मैंने ये कहा कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है उसको आत्मसात एसिमिलेट करने का प्रयास जो किया गया हुआ था आर्य समाज की विचारधारा में और ये आर्य समाज की विचारधारा मूल रूप से आप देखेंगे तो यह दयानंद सरस्वती के जो गुरु हैं और बिरजानंद जी जो मथुरा में उनसे 1860 में मिले थे और वहीं से उनकी वैचारिक आभाएं जो हैं प्रस्फुटित होकर के हमारे और आपके बीच में आई, जिसका मूल केंद्र भारत में जो बना बंबई में आर्य समाज की स्थापना जो है
1875 में और 1877 में लाहौर में जो स्थापना की, यह मील का पत्थर साबित हो रहा है आज भी। अर्थात आप देखेंगे भारत लोग मानते नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं मानता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं मानता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केवल छलावा करता है कि भारतीय विचारधारा जो है वह और आर्य समाज की विचारधारा है या ब्रह्म समाज की विचारधारा है, वह विचारधारा जो है संकुचित है, अकल्पनीय है, वह एक नोशन है, एक आम शेर है, लेकिन उसे पाने के लिए वह दिन रात उस पर स्टडी कर रहा है। तो ऐसे इन परिस्थितियों में हमें उनसे अलग हट करके कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उससे घबराएं नहीं, हम अपने दर्शन को मूल रूप से उस वेस्टर्न दर्शन के साथ एक जो अंतःक्रियाएं हैं, उन अंतःक्रियाओं के माध्यम से उन चुनौतियों का सामना करना है। वह भी जो मूल रूप से बैक टू वेदास, ये विचारधारा जो है हम लोग मानते हैं या जानते हैं कि यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दी गई अभिकल्पना है या सैद्धांतिक आयाम है, लेकिन इनकी मूलता में विजयानंद जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और उन्हें भी वही स्थान दिया जा सकता है जो स्थान हम लोगों ने दयानंद सरस्वती जी को दी है, क्योंकि वह गुरु केवल वेदों का ज्ञाता नहीं। आप ध्यान देखेंगे, आप दयानंद सरस्वती जी के जीवन दर्शन पर आप जाएंगे तो उनका जो 1824 में जन्म हो रहा है, ये गुजरात के मैरवी में और ब्राह्मण समाज में, तो वहां से उनके पिता वेद के बड़े ज्ञाता के रूप में माने जाते थे, और वेदों का संस्कार जो है बचपन से ही उनको दे दिया गया हुआ था। और ये ध्यान में रखें, केवल बुद्ध घर नहीं छोड़ा था, बुद्ध केवल सोते हुए अपने बच्चों को नहीं छोड़ करके गया हुआ था, हमारे 19th सेंचुरी में भगवान तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन बींग है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो 15 वर्षों तक पूरे देश में भटकता रहा घर द्वार छोड़कर, वह जो है उसके बाद में विजयानंद जी से मुलाकात उनकी 1860 में, और आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो वहां पर उपनिवेशवादी व्यवस्था जो है वह, अर्थात उपनिवेशवादी व्यवस्था मतलब भौतिकवादी व्यवस्था, तो इन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा कि भौतिकवादी व्यवस्था और अध्यात्मवादी व्यवस्था के बीच में सामंजस्य स्थापित करके हम भारतीय समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, और इसी मजबूती का रूप है कि हमारे पास में कई शक्तियां आई हैं, चली गई हैं, हम कभी अडिगता से अलग नहीं हटते, हम गंभीर हो करके वहाँ उन चुनौतियों का सामना करते हैं। आज आप माने या न माने, लेकिन मेरी मान्यता है कि पूर्व भारत का बौद्धिक शक्ति जो है, भारत की बौद्धिक शक्ति मूल रूप से पूरे वैश्विक समाज को एक नई तस्वीर और एक नई धारा देने का प्रयास कर रहा है। आप ध्यान दें, ये 19th सेंचुरी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दयानंद सरस्वती जी के केवल विचार देखें, एक बात है, विचार व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति नश्वर है, लेकिन शरीर नश्वर है, लेकिन विचार और विचारधारा यह शास्त्र